Guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. Friends, आज हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल के बारे में जो कि माइनॉरिटीज़ के बारे में है, क्योंकि जो माइनॉरिटीज़ को स्कीम मिल रही हैं आजकल उनमें बहुत गड़बड़ हो रही है और गवर्नमेंट ने बंद कर दिया स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए. तो इसके बारे में हम जानेंगे क्या क्या इसमें आर्टिकल में दिया हुआ और क्या क्या हमारे काम का, क्योंकि जो पॉलिटिकल टाइप में आर्टिकल होता है वो हमारे काम का नहीं रहता, बट ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल है क्योंकि इसमें जो भी कंटेंट दिया हुआ है एग्ज़ाम रिलेटेड है. अगर आप इस तरह की प्रैक्टिस डेली करते हैं तो आप डेफिनेटली इंग्लिश बोलने में आपको हेल्प मिलेगी. तो स्टेट ऑफ द स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज़, क्या स्टेट चल रही है उनकी, स्टेट क्या होती है, यहाँ पर स्टेट दिखा रहा है दशा, क्या दशा चल रही है माइनॉरिटी की विद रिलेटेड टू दी जो उनको स्कॉलरशिप मिली हुई है, छात्रवृत्ति मिलती है. तो इसके बारे में अभी जानेंगे क्या यहाँ पे दशा चल रही है माइनॉरिटी की. और जो भी इसमें कंटेंट दिया हुआ मैंने उसको सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया ताकि आपके कंप्रेंशन के लिए इजी रहे, आप अच्छे से कंप्रेंड कर सकें इसको. तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए. इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, तो पिछले कुछ सालों में द सेंटर हैज़ डिसकंटिन्यूड टू की एजुकेशनल स्कीम, दो जो की मतलब मेन थी, जो मेन थी की का मतलब होता मेन जो स्कीम चल रही थी उसको सेंटर ने डिसकंटिन्यू कर दिया है. फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज, जो धर्म के नाम पर माइनॉरिटीज़ हैं यहाँ पर अलग जो कम मात्रा में रहते हैं, नैरोड द और उन कम कर दिया स्कोप को, स्कोप जो उसका स्थिति थी ऑफ अनदर और दूसरी का, ग्रेजुअली कट डाउन ऑन दी एक्सपेंडिचर इनकर्ड, जो भी खर्चा आ रहा था ऑन दी मल्टीपल प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्रामों पे ऑफ दी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के चेंज कर दिया है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है. इंडिया इज़ होम टू नियर अबाउट दी 30 करोड़, मतलब 20%, इंडिया में लगभग 20% आदमी रहते हैं जो कि माइनॉरिटी हैं, पीपल फ्रॉम दी रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से लगभग 20% आदमी रहते हैं जो लगभग 30 करोड़ हैं. तो आप ये डाटा अपने लिए रख सकते हैं कि 30 करोड़ आदमी माइनॉरिटी में आते हैं. दिस इंक्लूड 6 रिलीजियस नोटिफाइड अंडर दी सेक्शन 2 ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992. इसमें से कौन से इंक्लूड होते हैं, 6 रिलीजियस नोटिफाइड अंडर सेक्शन 2C, सेक्शन 2 के क्लोज सी में नेशनल कमीशन फॉर दी माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992. एक नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी 1992 का, उसके सेक्शन 2 के सी में नोटिफाई किया गया 6 रिलीजियस कम्युनिटी को जो कि माइनॉरिटी में आते हैं. तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि कौन से 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं इन, जो कि जैसे मुस्लिम हो गया, क्रिश्चियन हो गया, सिख हो गया, जैन हो गया और पारसी ज़ोरास्ट्रियन, ये 6 हैं. और तो आप लिख सकते हैं नीचे द जस्टिस राजेंद्र सचार कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द यूपीए गवर्नमेंट. तो यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा जस्टिस सचार कमेटी बनाई गई थी टू लुक इनटू द सोशल एंड इकोनॉमिक एजुकेशनल स्टैंडिंग ऑफ द मुस्लिम इन इंडिया. तो सोशल जो या एजुकेशनल जो भी इनका स्टैंडिंग क्या है, कहाँ पर ये हैं, सचार कमेटी ने क्या कहा, कंक्लूडेड किया दैट मुस्लिम माइनॉरिटी वॉज नेग्लेक्टेड इन द ऑलमोस्ट ऑल डायमेंशन ऑफ द डेवलपमेंट. हर जो डेवलपमेंट का जो एस्पेक्ट्स होता है उसमें ये मुस्लिम कम्युनिटी पीछे रही. ओवर द पास्ट 20 ईयर्स, पिछले 20 सालों में द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड रफली 10 स्कीम्स टू प्रोवाइड एजुकेशनल एम्पावरमेंट टू द रिलीजियस माइनॉरिटी. तो रिलीजियस माइनॉरिटी के लगभग यह 10 स्कीम दी हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि जो पिछले 20 सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया, लागू किया रफली 10 स्कीम्स को टू प्रोवाइड एजुकेशनल एम्पावरमेंट, ताकि आदमियों को एजुकेशनल एम्पावरमेंट हो सके टू द रिलीजियस माइनॉरिटी. द प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, जो मैट्रिक से पहले मतलब 1 से 10 तक, वाज वन ऑफ द फर्स्ट सेंट्रल सेक्टर स्कीम. सेंट्रल सेक्टर स्कीम और जो होती हैं अपनी सेंट्रल सेक्टर होती है, दूसरी क्या होती है सेंटर स्पॉन्सर. सेंट्रल सेक्टर मतलब सारा सेक्टर का मतलब पूरा पैसा बियर करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर स्पॉन्सर होगा तो उसमें रेशो रहता है 60-40 का, 90-10 का नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए, 60-40 का नॉर्मल स्टेट के लिए. प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जो कि हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी जिसमें से 10वीं क्लास से पहले बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती थी और इम्प्लीमेंट की जाती थी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी. स्कॉलरशिप वॉज इनिशियली अवार्डेड टू द माइनॉरिटी स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1 to 10th एंड रेंज बिटवीन 1000 to 10,700, 1000 से मतलब 10,700 तक की उनको स्कॉलरशिप दी जाती थी फॉर ईच सिलेक्टेड कैंडिडेट, जो भी सिलेक्ट किया जाता था. स्कीम हैज़ नाउ बीन डिसकंटिन्यूड.
तो हैज़ नाउ बीन डिसकंटिन्यूड, या अभी डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है। फोर क्लासेस फर्स्ट टू एट, पहली से आठवीं तक डिसकंटिन्यू कर दिया, ओनली कवरिंग क्लास 9 and 10 इन द इन इट्स रिवाइज फॉर्म। अब कवर कर रहे हैं केवल नौवीं और दसवीं क्लास को रिवाइज फॉर्म में। अनदर सेक्टरल सेक्टर स्कीम वाज दी मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप, जो एक स्कीम चल रही थी मौलाना आज़ाद के नाम से, जो कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। द स्कीम प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर दी 5 years टू रिसर्च स्कॉलर्स। तो स्कॉलरशिप क्या थी, असिस्टेंट जो मदद करती थी 5 सालों के लिए परसुइंग जो MPhil या PhD कर रहे हैं फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकग्नाइज बाई दी UGC के द्वारा जो रिकग्नाइज किए गए हैं। कैंसिल नाउ, ये स्कीम भी कैंसिल हो गई है। द पढ़ो प्रदेश स्कीम वॉज लॉन्च टू प्रोवाइड बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर हायर एजुकेशन अब्रोड। तो पढ़ो जो अब्रोड प्रदेश स्कीम थी, जो हुई अब्रोड पढ़ने के लिए जो सब्सिडी देती थी लोन पे, उसको भी अपॉर्चुनिटी फॉर दी हायर एजुकेशन अब्रोड प्रोवाइडिंग एन इंटरेस्ट सब्सिडी, जो कि इंटरेस्ट सब्सिडी देती थी, छूट देती थी ऑन एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन तो कम सस्ता मिलता था फॉर ओवरसीज स्टडीज टू द स्टूडेंट बिलोंगिंग टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी। अब ये भी कैंसिल हो गई है। तो मौलाना अब्दुल जो कलाम नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम है या बाहर जाने की पढ़ाई करके, वो भी ख़त्म हो गया एज 2020 रिपोर्ट बाय द सेंटर फॉर द बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी। मतलब 2022 की एक रिपोर्ट है एक सेंटर के द्वारा, जो सेंटर क्या है, फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी, बजट एंड अकाउंट गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी के लिए है जो, तो बजट एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए है जो, एंड हाईलाइट एंड डिक्लाइनिंग ट्रेंड। इन्होंने क्या है, हाईलाइट किया डिक्लाइनिंग ट्रेंड, जो भी ट्रेंड चल रहा है इन दी शेयर ऑफ दी ओवरऑल बजट एक्सपेंडिचर टूवर्ड्स माइनॉरिटी। तो डिक्लाइन ट्रेंड चल रहा है माइनॉरिटी की तरफ पैसा खर्च करने का। द CGA सेंटर फॉर, जो किसके लिए है, सेंटर फॉर दी बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी फाउंड दैट अलोकेशन ऑफ फंड्स फॉर दी 2020 and 2023 2022-23 के लिए वाज नॉट इन लाइन विद दी प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी। मतलब जितनी 20% माइनॉरिटी हैं, 30 करोड़ आदमी हैं, उनके प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन में भी पैसा खर्च नहीं हो रहा है, ये जो CBGA ने बोला है अपनी रिपोर्ट में। वाई इज़ एजुकेशनल नेसेसरी एड नेसेसरी, क्या फ़ायदा की जो एजुकेशनल हेल्प देने का। एज पॉइंटेड आउट बाई द नीति आयोग इन इट्स स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट 2018 स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट आया था 2018 का, उसमें लिखा गया था अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन मतलब स्कॉलरशिप दी जाती है या रिजर्वेशन दिया जाता है, इज़ द नीड ऑफ द आवर, वो टाइम की जरूरत है, टू इम्प्रूव द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी। रिलीजियस माइनॉरिटी का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अपनाने के लिए जरूरी है, पर्टिकुलरली मुस्लिम के लिए, हु कंटिन्यू टू लैग बिहाइंड द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन सेवरल एरियाज। तो जो ये हैं लैग करते हैं बहुत सारे एरिया में पीछे, इसलिए इनके लिए बहुत जरूरी है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एंड द जनरल पॉपुलेशन। देर इज ए सिग्निफिकेंट मतलब बहुत अच्छी मात्रा में डिस्पेरिटी है, ऐसे मानता है इन एजुकेशन एसेसिबिलिटी बिटवीन मुस्लिम एंड जनरल पॉपुलेशन, विद मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन टोटल एनरोलमेंट डिक्लाइनिंग एज मूव टू द हायर लेवल ऑफ एजुकेशन। तो एनरोलमेंट कम होता चला जाता है जब हम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, तो मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों का एडमिशन कम होता जाता है। द हाईएस्ट प्रोपोर्शन आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन इन द कंट्री, मतलब सबसे ज़्यादा मुस्लिम के बच्चे बाहर हैं, जो स्टडी से बाहर हैं, बिलोंग टू द मुस्लिम कम्युनिटी, जो कि लगभग 4.5% है, मतलब 4.43% है, फॉलोड बाई हिंदू भी 3.5% है, ये 5% है और हिंदू के बच्चे 3% हैं जो आउट ऑफ द स्कूल रहते हैं। एंड क्रिश्चियन है 1.52, मतलब एजुकेटेड कम्युनिटी, एंड अदर्स 1.26 में, अकॉर्डिंग टू दी सर्व शिक्षा अभियान डाटा। तो आप कोट कर सकते हैं इसको डाटा को कहीं भी, सर्व शिक्षा अभियान का डाटा बताता है कि इतने परसेंट बच्चे बाहर हैं जो स्कूल स्टडी से बाहर रहते हैं। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-21 कंडक्टेड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिवील दैट मुस्लिम स्टूडेंट वर सिग्निफिकेंटली बिहाइंड अदर कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ हायर एजुकेशन एनरोलमेंट। तो ये ऑल इंडिया जो सोशल सर्वे ऑन हायर एजुकेशन है, तो वो भी बताता है कि मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे का एनरोलमेंट कम है एज कम्पेयर टू दी अदर कम्युनिटी। इस आर्टिकल के लिए इतना ही, और अपने फ्रेंड में शेयर जरूर कर देना, डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।